फतेहपुर, वो शहर जो एक दो साल नहीं पिछले 20 साल से विकास के लिए तरस रहा है। जब भी शहर में कोई उलन घटोला आता है तो लोगों के मन में एक आस उठती है कि शायद अब फतेहपुर विकास करेगा। कई बड़े नेता फतेहपुर में आने के बाद विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं, लेकिन सालों बाद पता चलता है कि विकास की वो योजनाएं अभी तक धरातल में उतरी ही नहीं। गांव देहात तो छोड़िए, शहर भी विकास की मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। और हम आज बात करेंगे एक ऐसे ही वार्ड की जो कि वार्ड नंबर 1 में आता है और वो है शांति नगर। आज जब हमारी टीम शांति नगर में विकास की कुछ योजनाओं पर अपनी नजर दौड़ाई तो वाकई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस बीच शांति नगर उत्तरी और दक्षिणी के कुछ निवासी भी हमारे सामने अपनी बात रखते नजर आए और उनकी बातों को सुनने के बाद तो आपको यकीन हो ही जाएगा कि असल में विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया कैसे जा रहा है, आखिर लोग मूलभूत सुविधाओं से क्यों दूर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और मिलते हैं रिपोर्ट के बाद। अभी हम खड़े हैं शांति नगर में, वो शांति नगर जो कि वार्ड नंबर 1 पे आता है। एक है उत्तरी शांति नगर और एक है दक्षिणी शांति नगर। फिलहाल हम बात करेंगे आज शांति नगर की उन परेशानियों को जिनको लेकर के लोग परेशान है और अपनी बातें कहना चाहते हैं लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। हम आपको बता दें कि शांति नगर दक्षिणी की अगर हम बात करें तो शांति नगर दक्षिणी की वो हालात है कि यहाँ पर लोग अपने घर पे जाने के लिए पानी भरे हुए पानी से निकलकर जाने के लिए मजबूर है। स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं तो उनके हालात ये है कि उनके पैर खराब हो जाते हैं और स्कूल जाने घुसने से पहले स्कूल में उन्हें अपने पैर धोने पड़ते हैं। और इन्हीं परेशानियों को लेकर आज यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी बातें रखनी चाहिए और इस विषय पर हम आज उन लोगों से बात करेंगे जो वाकई में उन मुद्दों से परेशान है, जो वाकई में प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं और एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि सर हमारी परेशानियों को सुना जाए लेकिन उनकी परेशानियों को शायद सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे समाज के लोग हैं जो वही शांति नगर उत्तरी और दक्षिणी के लोग हैं जो अपनी परेशानी अपनी व्यथा कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हम उम्मीद करेंगे उस प्रशासन से उन अधिकारियों से कि अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो शांति नगर उत्तरी और दक्षिणी की परेशानियों को समझें, सुने और आकर के निरीक्षण करें क्योंकि लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियां अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये भाई साहब है इनका सर आपका नाम क्या है? ये हमारे हम तो ये कह रहे हैं कि नगर पालिका हो चाहे जो भी गवर्नमेंट हो कोई देखने वाला नहीं कि रोड की क्या हालत है। इस रोड में लोग बच्चे गिर पड़ते हैं, जिस समय बरसात हो जाती है स्कूल से आते हैं साइकिल लेके गिर जाते हैं, काफी लोगों के हाथ पैर टूट गए। मैंने दो चार व्यक्तियों को उठाया है इस तरीके, इसमें गड्ढे गुड्ढे यहाँ से हाईवे तक हजारों घर, 2000 की आबादी के घर होंगे, कम से कम 2000 घर होंगे और कोई प्रशासन देखने वाला नहीं, चाहे नगर पालिका हो चाहे हमारी सरकारें हो कोई देखने वाला नहीं है क्या हालत है। देखिए रोड है, ये नालियां हैं, ये क्या है, लोग जो है मजबूरी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस तरीके हालत है कि बरसात हो जाती है तो लोग घर आने नहीं पा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, लोग हाथ पैर फूट रहे हैं, गाड़ियां टूट रही हैं। ये रोड जहां आप खड़े हैं देखिए गड्ढे, दो दो फुट यहां पानी भर जा रहा है। अभी आपने सुना मिंटू भैया जी को, आज हम बात करेंगे हमारे रूपम मिश्रा जी हैं, समाज सेवक हैं और नशा मुक्ति पर बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं फतेहपुर और फतेहपुर से बाहर भी, और इनको सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि हमने देखा है कई बार कि समाज के हित अक्सर बात करते नजर आते हैं। रूपम जी, रूपम जी, अब वैसे आपको मेरे समझ से कई लोग जानते हैं, शहर के अधिकारी भी जानते होंगे और समाज सेवक भी जानते होंगे, क्या कभी आपने अपनी समस्याएं किसी सामने रखने की कोशिश की? निश्चित तौर पर हम लोग शांति नगर के वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं जो इस वार्ड का गठन आज से 35-40 साल पहले हुआ था, जहां पर हम लोगों ने जो कि हमारे शांति नगर जो वार्ड है अजगमा जिसे बोला जाता है ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के विधायक बनाते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर वार्ड का सदस्य बनाते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन बनाते हैं, मगर होता क्या है कि कोई भी सब चोर चोर मौसेरे भाई की नजर में रहते हैं। होता यह है कि जब हम चेयरमैन से बात करते हैं तो चेयरमैन बोलते हैं ये नगर नहर विभाग का काम है, ये जो नाला आपका है ये जो भरा हुआ है ये जब तक नहर विभाग पैसा नहीं पास करेगी तब तक हम सफाई नहीं कराएंगे, और जब विधायक जी से बात करो तो विधायक जी कहते हैं ये नगर पालिका का काम है, एक दूसरे को ऊपर डालने का काम करते हैं। क्या ये
शांति नगर के नगरवासी कब तक इस समस्या को झेलते रहेंगे, कब तक हम इस प्रकार के दलदल से निकलते रहेंगे? क्या वो अब समय आ चुका है कि हम जो भी अब चेयरमैन का जो चुनाव लड़ेगा या विधायकी का चुनाव लड़ेगा, ऐसे प्रतिनिधियों का खुल करके हम विरोध करेंगे, इस बार उन्हें शांति नगर से सामूहिक तौर पर वापस करने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर हम लोगों ने नगर पालिका को भी एप्लीकेशन दिया, हम लोगों ने शासन सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए यहां तक कि मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने खबर भिजवाई, पोर्टल पे डाला गया, विधायकों को दिया गया, संसद को दिया गया, मगर होता क्या, कोई सुन नहीं रहा। अब जरूरत आ गई है कि सभी शांति नगर के नगरवासी एकजुट होकर के ऐसे सांसद, विधायक और नगर पालिका चेयरमैनों का बहिष्कार करेंगे, इन्हें शांति नगर से खेदने का काम करेंगे, तभी ऐसे प्रतिनिधि सुधरेंगे। अन्यथा ये सब चोर चोर मुसेरे भाई शांति नगर के विकास के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। विकास पर जब चर्चा हो रही तो हमारे सामने एक ऐसे भाई भी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो एक आदेश लेकर खड़े हैं जिसपे साफ साफ लिखा है कि हमारे पास विकास की किसी भी योजना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आइए उनसे ही बात करते हैं, दो शब्द बोलेंगे लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे बोलेंगे। मेरा नाम राजन जी है और हमने जिले स्तर पर विभिन्न जो है कार्यदायी कार्यालयों में इसकी लिखित रूप से सूचना दिया, जिसमें हमारे मोहल्ले के लगभग 41 से 50 60 घरों के दस्तखत वगैरह हैं, जो विभिन्न जो है जगहों पर जाकर के कार्यालयों में जाकर के हमने राजनेताओं से संपर्क किया, उनसे भी अपनी मांगों को रखा और जो है अधिकारियों से डायरेक्ट संपर्क किया, वह जिले स्तर व राज्य स्तर की यानी कोने कोने में ये बात हमारी पहुंची है हमारे शांति नगर के लोगों की, लेकिन किसी ने आज तक सुध नहीं ली। और ये जो है रोड तथा नाला ये पास भी कर दिया गया, 250 मीटर रोड तथा नाला पास भी कर दिया गया और पास होने के बाद भी उसमें उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। ये लगभग ये प्रक्रिया 6 से 7 महीने हो गए, 6-7 महीने से लगातार लोग हमसे पूछते रहे कि भैया क्या हुआ। चलिए हम सब लोग जो है जिले स्तर पर चलते हैं, जिला अधिकारी महोदय के पास चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जो भी कार्य करना है, जो भी हमें अपनी मांग रखना है, हम शांतिपूर्वक रखेंगे, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो अधिकारी व राजनेताओं के विरुद्ध लगे, हमें अपनी मांग गांधीवादी नीति के तरीके से जो है मांगना है, एक न एक दिन उनको मजबूर होकर के हमारी बात को स्वीकार करना होगा और यहाँ आकर के देखना होगा। हमारे मोहल्ले में आज से लगभग 2 महीने पहले जो है एक भयानक बिस्खोपड़ा जो 120 सेंटीमीटर का रात में घर में जाकर जा कूदा, सारी रात मोहल्ले के लोग सो नहीं पाए और जो है लोग जो है सारी रात जो है जागते रहे। अपने आदमी तो तुम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हुआ तो सवेरे जो है सपेरा को बुलाया गया, उसको 11-12 रुपए लेकर के जो है उस बीच खोपड़े को निकाला गया, तब सारे मोहल्ले वासी राहत की सांस ले पाए। यानी इस सूचना को दे करके यहाँ मवेशी बहुत सारे फंस जाते हैं, यहाँ डेंगू तथा मलेरिया के भयानक मच्छरों का वास हो गया है, जो भयानक बीमारियों से जो है लोगों को सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग आज से 5-6 वर्ष पहले यहाँ एक लोगों की मृत्यु जो है बीज खोपड़ा काटने से हो गई थी। हमारे यहाँ जो है ये मिट्टी पड़ी हुई है, इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, मिट्टी तथा मोहरम की बजरी व ईंटे के टुकड़े डाल करके हम लोग इस मोहल्ले की सड़क को बराबर किसी प्रकार से किए हैं, लीपा पोती किए हैं, घरों के निर्माण से जो भी टूटा फूटा ईंटा निकलता है सब बराबर करके अपने मोहल्ले की मर्यादा को बचाए हुए बैठे हैं, लेकिन ये हमारे माननीय अधिकारी महोदय व राजनेता महोदय यहाँ आने तक को ये नहीं समझते कि ये मोहल्ले वासी इन लोगों के सब्र की कितनी परीक्षा आप लेंगे, धैर्य की इतनी परीक्षा मत लेंगे। समझिए आप कि वो शांति नगर है जहाँ पर एजुकेशन हब कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, फायर विकेट भी है, पेट्रोल पंप भी है, सारी चीजें होने के बावजूद यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही और इन सुविधाओं के न मिलने के पीछे की वजह क्या है ये तो यहाँ का प्रशासन जाने, यहाँ के अधिकारी जाने, यहाँ के चेयरमैन जाने और जाने यहाँ के सांसद और विधायक। हम आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे कि वो तस्वीरें जिनकी वजह से लोगों के घर में बीमारियां आ रही हैं, लोगों के घर में मच्छर आ रहे हैं, लोगों की परेशानियों को लेकिन कोई समझने वाला नहीं। मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि इनकी जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान जल्द कर सके और अगर इन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होता है
तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा ये लोग अपनी बात रखने के लिए नगर पालिका पर जाएंगे और हम ये भी कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके शांतिनगर उत्तरी दक्षिणी की समस्याओं पर प्रशासन और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इन पर अपनी नजर एक बार दौड़ाएं, सर्वेक्षण करें और अगर हालात वाकई ऐसे बदतर लगातार बने रहे तो लोग रोडों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज और ऐसी खबरों के लिए हमें फॉलो करिए। हम आपको इनसे जुड़ी, समाज से जुड़ी और समाज में जो परेशानियां उनसे जुड़ी हर खबर लगातार दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि अगर शहर में वार्ड नंबर एक विकास में पिछड़ा हुआ है तो बाकी 33 वार्डों का क्या हाल होगा। अगर आपके वार्ड में भी ऐसी समस्या है तो आप हमें अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने लाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो करिए। फतेहपुर की हर समस्या को हम आपके सामने लाते रहें।